महिला स्वयं रोजगार बहुउद्देशीय संस्था द्वारा नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट अम्यूजमेंट पार्क एग्जीबिशन का आयोजन 5 मई से रेशमबाग मैदान पर किया गया है, जहां शहरवासी इस मेले का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। आइए देखते हैं क्या खास है इस मेले में। महिला स्वयं रोजगार बहुउद्देशीय संस्था की अध्यक्षा उषा वर्मा के नेतृत्व में महिलाओं के सबलीकरण और शहरवासियों के मनोरंजन के मुख्य उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में कई तरह के स्टॉल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कपड़े, फूड, घरेलू सजावट आदि सहित कई विविध वस्तुएं स्टॉल पर दिखाई दे रही है, जहां ग्राहक भी मेले में खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। हमारी टीम ने मेले में लोगों से बातचीत की, जहां लोग बड़ी दूर से मेला देखने आ रहे हैं। लोगों का कहना था कि कई दिनों से कोरोना के चलते इस तरह के आयोजन नहीं हो पाए, इसके कारण ये आयोजन बड़ा अच्छा है। लोगों द्वारा मेले को काफी सराहा जा रहा है। कोरोना पासून आम्ही घरीच होतो, तेव्हापासून काही आम्ही बाहेर निघालोच नाही, आणि आज आम्ही पहिल्यांदा आम्हाला समजलं की आता मेला लागलाय वा, म्हणून म्हटलं चला आज निघू आपण बाहेर, म्हणून आता फिरायसाठी आलो आम्ही। आता छान वाटत आहे, काही खरेदी केली आहे सामान, अंगठ्या वगैरे घेतल्या आम्ही, काही घेऊन बघितल्या। काळामध्ये खूप म्हणजे हे झालं ना, माणूस 2 वर्ष घरी, आता कसं थोडंसं बाहेर निघालं आणि कसं मास्कमुक्त झालं ना, त्याच्यामुळे आणखीनच, आणि गर्मी इतकी आहे की काही बांधणं किंवा हे करणं खूप, उष्णता खूप आहे टेम्परेचर नागपूरचं, त्याच्यामुळे बरं वाटत आहे। हॅलो, हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा मेला भरा है यहाँ पे शांत, मतलब रेशम बाग में, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स है, झूले है, सब है। थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है, अभी 2 साल बाद इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताओ, अभी कुछ बता ही नहीं सकती, बहुत ही खुशी हो रही है, इतना अच्छा, इतनी रौनक, इतनी बहुत, अभी मेरे पास लफ्ज ही नहीं है कुछ बोलने के लिए, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मेला काफ़ी सुंदर है और हमेशा आते रहते हैं हम मेले में बच्चों को घुमाने के लिए, मज़ा आता है, इस तरीके के इवेंट होने चाहिए। हाँ, कोविड के वजह से थोड़ा सा भी है रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन अभी अच्छा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आना चाहिए, ये मेरी बच्ची है। कोरोना नंतर हा सगळ्यात चांगला मेला है, कारण की 2-3 वर्षानंतर आम्ही इथे आलो आहे आणि खूप चहल पहल आहे, खूप चांगला वाटत आहे। हाँ, बहुत बहुत समय के बाद बहुत अच्छा, पर मेरी छोटी बहन मुझे बैठने नहीं दे रही कहीं पे भी, सो मुझे उस वजह से थोड़ा बोर हो रहा है। हम लोग इंदौर से आए एक्चुअली, MP से, और हम मेले में तो जाते रहते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं सबको, सब अपने, अभी मेरी फैमिली के साथ ही आई हूँ, दीदी, जीजू, सभी लोग आए हैं हम लोग, और बच्चे तो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं हमारे। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। छान वाटत आहे, सगळं नॉर्मल झाल्यावर का वाटत आहे, कोविड नंतर खूप दिवसानंतर लोकांना बाहेर निघायला मिळालं, सगळे खूप एन्जॉय करत आहे, सगळ्यांनी यायला पाहिजे, पण कोविडचे प्रिकॉशन्स पण स्वतःहून फॉलो करायचे, सगळं ओपन झालं आहे पण स्वतःहून स्वतःची काळजी घेतली पाहिजे। हम लोग यहाँ इंदौर से आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया मेला लगा हुआ है, खूब अच्छे अच्छे सारे झूले हैं, बच्चों के लिए बहुत एंटरटेनमेंट है, हमारे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। नागपुर की समर में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, सो इट्स वेरी नाइस, वी आर कमिंग फ्रॉम पुणे एंड वी आर एंजॉइंग। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के साथ घूमने में मज़ा आ रहा है, नागपुर में बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इंदौर से आई हूँ। नागपुर निवासी है, ये सब हमारे घर पे आए गर्मी की छुट्टियां मनाने, तो हमको अच्छा लग रहा है कि हम इनको यहाँ लेके आए हैं और ये लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, कहाँ लेके जाए सही में, और वो भी समर सीजन में, दिन में तो हम कहीं जा नहीं सकते, पर शाम में ये बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब पूरा पैसा वसूल एंटरटेनमेंट है ये बिल्कुल। 2 साल के बाद सब लोग मिल रहे हैं तो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, एक अच्छा खासा है और मज़ा आ रहा है देखने में, इंटरेस्टिंग है, और खाने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक फास्ट फूड्स बहुत ज़्यादा है, तो मज़ेदार है, हम अच्छा खासा इंजॉय कर सकते हैं इसमें, और लाइक बोरिंग लाइफ से, जैसे समर में बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गए, तो इसमें लाइक अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो भी है कपल्स आके या फिर फ्रेंड्स के साथ आके, फैमिली के साथ आके, और शॉपिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, एंड हाँ इंजॉय लिटरली बताऊँगा तो, वैसे तो ज़्यादातर मुझे झूले ज़्यादा पसंद है, तो वो ज़्यादा पसंद आए, और खाने की चीज़ें, हाँ बस मस्त वाटत आहे, कोरोना नंतरचा हा नाही काका, खूप सुंदर वाटत आहे, कारण पोरांना असा एन्जॉय करायला मिळाला नाही, त्याच्यामुळे खूप सुंदर वाटत आहे।
आमच्या गावाला ब्रह्मपुरीमध्ये कसं गणपतीच्या वेळेस मेला लागते, तर त्याच्यामुळे कसं आता लॉकडाऊन होता तर काही मेला लागला नाही, तर आता थोडं एन्जॉयमेंट करायला भेटत आहे. मी सद्भावना नगर मानेवाडा चौकातून आलो आहे. माझं नाव इंद्रजित कडू आहे आणि 3 वर्षानंतर ह्या असा मेळा बघितल्यानंतर आम्हाला खूप उत्साह वाटला. आम्ही आलो होतो आम्ही दुसऱ्याच कामासाठी इथे, पण आम्हाला दिसल्यानंतर आम्ही आधी ते काम सोडून आम्ही इथे आलो, म्हणजे आम्हाला मुलांना एन्जॉयसाठी. आणि मुलं पण छान म्हणजे खुश झाले. बहुत बढिया लगा यहाँ आके और बचपना याद आया. बचपने के साथ में कोई किसी के बाइक पे लेके भी अभी भागा अपने को, तो इतना स्पीड तो बहुत कम हो गया ना. जो अभी देखे कि इससे ये डेयरिंग भी आता है और बहुत ज़रूरी है कि ये 60 साल पहले 10 रुपये टिकट था, अभी 80 है, महंगाई के हिसाब से बराबर है. फिर भी जो आगे पीछे हर चीज़ जो है, यानी जिसको डिज्नी यानी पहले अपन कलकत्ता जाते थे तब एक ही बार पार्क में जाते थे, 300 रुपये टिकट रहती थी उस जमाने में भी, लेकिन कलकत्ता जाते थे. अभी अपने नागपुर में मिला तो सौभाग्य है अपने बच्चों का भी, उनको भी अच्छे से एक बार का एक चॉकलेट कम देने का 80 वाला, एक आइसक्रीम कम खिलाना, लेकिन इसका एक इसका तो भी इंजॉय करके हर आदमी ने जाने को होना. किस गजाना मस्क क्या है इतने मैं स्टॉल मध्य आलो झुनका बाकर खाला आणि एची स्टॉल स्टॉलमध्ये लागला आहे झुनका बाकर स्टोर. याच्या 3 दिवसापासून झुनका बाकरसाठी आलो आणि नंबर 1 झुनका बाकर आहे आणि खूप चांगला, आणि पाणीपुरी पण आहे इथं, पापड वगैरे पण आणि भेल पण आहे, खूप चांगला आहे. आणि आमचं चांगला चालून पण आला झुनका बाकरमध्ये आणि खूप टेस्ट आणि एक नंबर टेस्ट आहे यांची वाली. आणि हे घरगुती आयटम वापरतात आणि असं नाही की ती म्हणजे बाहरचे आयटम वापरतात, घरगुती तेल आहे, घरगुती आयटम आहे. साथ ही भव्य मेले के आयोजन से स्टॉल धारक भी काफी उत्साही दिख रहे हैं. स्टॉल धारकों का कहना है शहरवासियों द्वारा मेले को काफी अच्छा प्रतिसाद मिलने से बिजनेस भी अच्छा हो रहा है. फूड स्टॉल को भी ग्राहकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, जिससे सभी स्टॉल धारक काफी खुश नजर आ रहे हैं. मेला 2 वर्षांनी लागलेला आहे. आतापर्यंत कोरोनामुळे मेले लागलेच नव्हते. 2 वर्षांनी रेशीम बागेत लागल्यामुळे खूप छान लोकांचा उत्साह आहे आणि भरपूर 2-2, 2.5-3 हजारात लोक रोज येतात. हे महत्त्वाची गोष्ट आहे. प्रतिसाद छान आहे. अभी कैसा बहुत समय के बाद मेला लगा है तो थोड़ा यानी पब्लिक आ रही है, हो रहा है, अच्छा बिजनेस हो रहा है. अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा पहले से यानी बेटर ही. अभी तो कोरोना काल में सब ठप पड़ा था. कोरोना के चलते सरकार द्वारा कई तरह की पाबंदियां की गई थी, जिससे सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होता था. लेकिन अब कोरोना का प्रभाव कम होने से सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा है और इस मेले के आयोजन से शहरवासी अपने परिवार और दोस्तों के साथ मेले का लुत्फ लेते दिखाई दे रहे है. हम आए हैं एक स्टॉल पे. यहाँ पे ये जो है कपड़े का मतलब गारमेंट्स का स्टॉल है. यहाँ पे लेडीज की कुर्तियाँ हमें दिखाई दे रही है. हम उनसे जानते हैं कि ये मेला कब से शुरू हुआ है और क्या बताओगे आपका स्टॉल यहाँ पे. हेलो, मेरा नाम पूनम ठाकुर है मैडम और ये 1 तारीख से चालू हुआ है. हम लोग महिला समाज से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, पब्लिक भी बहुत खुश है. और मेरे यहाँ कम रेंज से 250 से 2000 तक के कपड़े हैं, अवेलेबल हैं. यहाँ पे मेरे पास कुर्ती पैंट और पूरा कुर्ती पैंट चुन्नी सब सेट है. रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है. मतलब कस्टमर को किस भी रेंज का चाहिए तो वो वापस नहीं जाता है, वो लेके ही जाता है. तो हमने आपको बताया कि महिला स्वयं रोजगार बहुउद्देशीय संस्था द्वारा जो है नागपुर मेगा ट्रेड फेयर का यहाँ पे आयोजन किया गया था और यहाँ पे किस तरह की मतलब दुकानें हैं सजी हुई और अम्यूजमेंट पार्क के साथ साथ कई झूले हैं बच्चों के लिए और किस तरह का यहाँ पे माहौल था और यहाँ पे फूड की मतलब फूड कोर्ट भी बहुत बढ़िया दिखाई दिया. हमने देखा कि यहाँ जो लोग आए उनके भी हमने रिव्यूज़ लिए, उन्हें भी ये मेला बहुत पसंद आया क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जो है लोगों को खुलकर बाहर निकलने का मौका मिला था और लोग जो है अपने फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ यहाँ आके एंजॉय कर रहे थे क्योंकि नागपुर की गर्मी में एक ये मेला जो है ठंडक का एहसास दे रहा है लोगों को. तो लोग भी जो है बहुत ही मेले को एंजॉय कर रहे हैं और आप भी आइए और मेले का लुत्फ उठाएं. कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर.